नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। शादी का झांसा देकर युवती से पहले करीब 7 वर्षों तक संबंध बनाने के बाद युवती को छोड़कर फरार हो गया युवक। इस संबंध में युवती ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन अभी तक कार्रवाई न होने से परेशान युवती ने एसपी से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जौनपुर जिले की रहने वाली युवती करीब 8 वर्ष पहले एक शादी समारोह में देवरिया जिले के बेहरा डाबर गांव निवासी अरविंद कुमार तिवारी मिला। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत होने लगी। इसी दौरान अरविंद तिवारी ने युवती को शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बना लिया। यही नहीं, आरोप है कि अरविंद अपने परिजनों से भी मिलवाया, जहां परिजनों ने भी शादी करने के लिए हामी भरी। लेकिन करीब 7 साल संबंध बनाने के बाद अरविंद जुलाई माह में युवती को गाली गलौज देकर भाग लिया, जिससे परेशान पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपी जितेंद्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़िता ने एसपी से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। मैं 2-7 का मुकदमा दर्ज करवाई हूँ, अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब भी मैं आ रही हूँ यहाँ पे तो गिरफ्तारी नहीं हो रही है। गिरफ्तार हो जाएगा करके ऐसे हमको एसपी साहब, सीओ साहब, सभी लोगों ने दौड़ा रहा है। क्या मामला है ये बताइए, क्या घटना घटी है आपके साथ? धोखाधड़ी हुआ है मेरे साथ। किस प्रकार की धोखाधड़ी हुई? मेरे साथ रिलेशन में था, शादी का झांसा देके 7-8 साल तक था, उसके बाद चला गया छोड़ के। कौन था? अरविंद कुमार तिवारी, देवरिया जिला, उसका घर है भटनी। पुत्र? नागेंद्र तिवारी। माँ का नाम उर्मिला तिवारी, बहन का नाम रिंकी तिवारी उर्फ संगीता। तो कैसे आप लोग, आपको झांसा दिए, कब दिए? वो यहाँ पे मिला था मुझे, आजमगढ़ शादी में मिला था, और यहाँ पे ऐसे बातचीत चलने लगी। तो फिर हमसे कहा हम शादी करेंगे, फिर अब उसे अपनी माँ बहनों से भी मिलवाया, बोला कि माँ बहन हमारी, हम अपनी माँ बहन, हमारी घर की अभी स्थिति ठीक नहीं है, हम कुछ दिन में शादी कर लेंगे। उसकी माँ बहन बोली हमको, जैसे रिलेशन में रह रहे हो वैसे रिलेशन रहो। फिर हम प्रेग्नेंट हुए, हमारे प्रेग्नेंट होने के बाद जब हम बोले कि हम साथ रहेंगे अब, तो बोला कि तुमको अपने घर नहीं रख सकते, गाली पकड़ दिया, बोला हम तुम चमान सियान को अपने घर नहीं रख सकते हैं, बहुत गंदी गंदी गाली दिया, तुमको हम अपने घर नहीं रख सकते हैं, तुम अपना दूसरा रास्ता ले लो, कुछ पैसा ले लो, रफा दफा कर लो, ये सब हम तुमको अपने घर नहीं ले जा सकते हैं, तुम जैसे लोगों को हम अपने घर अपने ही रखेंगे, ऐसे बोला। और जब हम यहाँ आ रहे हैं, सीओ साहब के पास आ रहे हैं, एसपी साहब के पास अभी आए हैं, अभी बोले हैं ठीक है जाओ गिरफ्तारी हो जाएगी। मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं लोगों से कर्जा ले लेके उधार ले लेके भाड़ा के भाड़े के रूम पे रह रही हूँ, भाड़ा ले लेके आ रही हूँ। आखिर कब सुनवाई होगी मेरी? क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ उन लोगों की गिरफ्तारी हो, मेरी सुनवाई हो, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।